हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एक्टिविटी सीट नंबर 59 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी की है। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 तीनों स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी हिंदी की एक्टिविटी सीट कंप्लीट कर सकें, गतिविधि पत्रक। ठीक है, आपकी ये हिंदी की नोटबुक में करनी है। आपकी डेट है आपकी 31 मार्च की। ठीक है बच्चों, हम इस वीडियो में एम करते हैं 215 लाइक का, तो सभी बच्चे लाइक का बटन प्लीज़ दबा देंगे। देखिए क्या हो रहा है, माइल ये एम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने माइलस्टोन रखा है 50K। जैसे ही चैनल पे 50K होंगे, आप लोगों को जो भी बच्चा मेरे चैनल पे बना रहेगा, सारे स्टेप फॉलो करेगा, वो बच्चा एप्पल का फ़ोन जीत सकता है और लाइव ये गिव अवे दिया जाएगा मीटअप करके। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़रूर पूरी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रो क्लीज और शेर, इटली रोम की लोक कथा। देखिए इसमें क्या है, एक इटली रोम की लोक कथा दी गई है। इसमें एक नाम है एंड्रोक्लीज, ठीक है, और शेर के बीच की एक कथा दी गई है। पुराने समय में यूरोप में घरी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। देखो पहले टाइम पे क्या होता है, दास होते थे, ठीक है। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो दास होते थे एक तरीके से, वो उनके एक तरीके से नौकर होते थे। जो भी वो आज्ञा देते थे उनको वो करना ही पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीज था। एंड्रोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था, उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती थी। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीज डर गया, वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ है, ठीक है। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। पहले के ज़माने में यही होता था कि ट्रीटमेंट व्यूटमेंट नहीं होता था, ऐसे ही जड़ी बूटियों से किसी का ट्रीटमेंट किया जाता था। शेर को आराम मिला, उसने एंड्रोक्लीज को हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उसने एंड्रोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा एक मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीज को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीज को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीज के पास आकर उसने उसके मुंह के सामने बैठ गया उपस्थित। देखिए शेर कितना भूखा था, फिर भी उसने उसको नहीं खाया, ठीक है। जनसमूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीज को पहचान गया था। एंड्रोक्लीज ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीज का दास्ता के बंधन से मुक्त कर दे। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लीज को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीज आज से तुम स्वतंत्र हो। तो देखा आप लोगों ने, लास्ट में उसे क्या इतना सारा धन दे दिया और उसे कह दिया कि तुम अब स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई भी जेल वगैरह में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। इस कहानी में जिन शब्द और अर्थ उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्द की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों के साथ और उच्चारण पूछकर अपना अभ्यास करें। चलिए हम लिख देते हैं कुछ उसके अंदर, एटलीस्ट चार लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट कौन सा हमें थोड़ा लगा, दास। दास से आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोगों को दास क्या होता है, एक तरीके से नौकर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम लोग सेकेंड। देखिए पशुवत, ये भी थोड़ा एक ऐसा वर्ड है जो कठिन है, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है इसे समझने के लिए, ठीक है। देखिए पशुवत मतलब होता है कि कैसा व्यवहार करना, जानवरों के जैसा व्यवहार करना, ठीक है।
जानवर जैसा व्यवहार। ठीक है, थर्ड लिख लेते हैं हम लोग कोई सा। इशारा आप लोगों को पता ही है, इशारा मतलब होता है संकेत। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं हम लोग, चकित। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही है, हैरान। चलिए सेकंड कर लेते हैं, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, देखो आप लोगों को पता ही है पशुओं के लिए हमें बच्चों क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हमारी बातें, तो हमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर करनी चाहिए उनकी। देखिए पशु पक्षियों, ठीक है, इनमें सब आ जाते हैं, के प्रति हमारा व्यवहार प्यार भावना वाला होना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें तंग करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको उनसे प्यार का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नंबर 3 में क्या पूछा गया है। मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित, इस संबंध में 5 वाक्य में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों देखो, सिंपली से ये अनुचित है, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम 5 वाक्य लिख देते हैं। यह है बिल्कुल क्योंकि सबको आजाद रहना पसंद है। ठीक है, सबको बच्चों आज़ादी पसंद होती है, कोई नहीं चाहता कि हर कोई किसी का गुलाम बने। और अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है, मतलब जो काम खुद आप लोग कर सकते हो वो आपको खुद ही करना चाहिए। और हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग किसी से अपना काम करवा भी रहे हो, जनरली जैसे मान लीजिए कोई आपके घर पे आया कुछ काम करने के लिए, आपने कुछ, तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है तो आपसे उसके बदले कुछ ले रहा है। ठीक है, तो उसके साथ भी आप लोगों को बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आप लोग कभी ये सोचो हम उसे पैसे दे रहे हैं या फिर कुछ और दे रहे हैं तो हम कैसे भी नहीं, आपको उससे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने
एक्टिविटी सीट पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे जो एक गिव अवे होगा, ठीक है, एप्पल के फ़ोन का, वो कब होगा? माइलस्टोन जैसे ही हमारे चैनल पे 50K कंप्लीट होगा सब्सक्राइबर, ठीक है। अभी कितना है बच्चों, आप लोगों को पता है 28K है, ठीक है। तो जैसे ही 50,000 कंप्लीट होगा आईफोन का गिव अवे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो किन बच्चों को मिलेगा, जो डेली मेड चैनल से वर्कशीट करते हैं, ठीक है, और 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो को पूरी देखते हैं और लाइक का बटन ज़रूर दबाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करते हो तो बच्चों आप लोग डेफिनेटली विनर बन सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो आप सभी बच्चों को फिर क्या लिखना है इसके बाद, यस सर, एंट्री डन, ठीक है। इससे मैं क्या समझूंगा कि आपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया और लाइक भी कर दिया, ठीक है। तो आप लिखोगे यस सर एंट्री डन कमेंट के अंदर, तो मैं समझ जाऊंगा वो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।